अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ वहीद मुन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करते हैं आज के दिन का व्लॉग। 10:20 हुआ चाहते हैं तो भाई मुझे एक इनविटेशन 3 दिन पहले मिल चुका था, तो दोस्त ने कहा कि आपने आना है, इस प्रोग्राम में शिरकत करनी है। तो अब 10:20 हो रहे हैं और 11 बजे तकरीबन प्रोग्राम शुरू होगा, तो उन्होंने कहा यार 10:30 तक मैं आपके पीछे मोटरसाइकिल पे बंदा भेज दूंगा, आप उसके साथ आ जाना। तो अभी मैं अपना ऑफिस को क्लोज़ करने लगा हूं और मैं उस लोकेशन पे जाने लगा हूं। आप देख लेना अपडेट वगैरह किस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं और कौन सी वो जगह है, तो आप देख लेना। बाकी जो अपडेट व्लॉग में चलती रहेगी आप देखते रहना, मेरे साथ रहिएगा। तो उस बंदे का मैं वेट कर रहा हूं, आने वाला है, तो मैं फाइनली ऑफिस क्लोज़ करता हूँ और निकलता हूँ मैं उस लोकेशन की तरफ। जिस लोकेशन के लिए मैं निकल गया था वो लोकेशन तकरीबन मेरा ऑफिस से मोटरसाइकिल पे ना तकरीबन 10 मिनट का जो ना फासला है। तो ये बंदा जो बैठा है मोटरसाइकिल चला रहा है, तो ये बस मेरे पीछे आ गया था। तो वहाँ पे जाना है, थोड़ा सा टाइम गुजारना है, एक कुछ खाने पीने का एक ऐसा प्रोग्राम भी है, तो थोड़ी बहुत दुआ वगैरह होगी। तो दोस्त ने कहा यार तुम आ जाना। जब मैं पहुंचा तो तकरीबन थोड़ी देर में जो दुआ का सिलसिला था वो शुरू हो गया। तो कुछ मंज़र मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूं। फिर उसके बाद मैं किचन की तरफ आ गया। किचन क्या था, बस एक ओपन सी जगह थी, वहाँ पे देगो को पकाने का एक सिस्टम बराबर किया हुआ था। बाकी आपको पता देख के चावल का क्या सीन होता है, कितने जायकेदार होते हैं। अब ये जो छोले मेरे ख्याल में आई थिंक चावल में डालेंगे। तो यहाँ पे तो भाई कम से कम 15x15 की बड़ी सी देग होती है। और अब जो ये चीज़ है ना, ये है हलवा, इसको खूब पकाया जाता है ताकि इसका अपना जो ना जायका पैदा हो। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इस लोकेशन के बारे में कुछ दिखाता चलूँ। तो भाई ये है बैकग्राउंड, आप चेक कर सकते हैं, ये है यहाँ की मस्जिद और ये एक बहुत बड़ा हमारे गांव का मदरसा है। तो ये बैग पे आप चेक कर सकते हैं इसकी खूबसूरती। तो ये हमारे गांव का बेहतरीन मदरसा है। दोपहर के तकरीबन 12 बज चुके हैं, तो बाहर तो बहुत तगड़ी किस्म की VIP किस्म की गर्मी थी। तो मैं सामने एक ऑफिस था, वहाँ पे आके आराम से चिल मार के बैठ गया। पंखा लगा हुआ था और या पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है दीवार पर, तो मैं इसके बारे में आपको अपडेट देता चलूँ और यहाँ का जो पूरा जो ऑफिस का व्यू वो भी मैं आपको बताता चलूँ। अब इस बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है, जैसे एक होता है ना मेन बंदा होता है, जैसे किसी कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, तो मदरसों के मोहतमिम होते हैं, तो ये नायब मोहतमिम साहब का जो है ना दफ्तर था। तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, तो टेबल पर बुक पड़ी हुई थी बाअदब बानसीब, तो मैं ये पढ़ने लग गया। इसके बारे में थोड़ी सी आपको झलक दिखाता चलूँ, तो इसमें बहुत ही आसान अल्फाज में इस्लामिक जो है ना किस्से वगैरह थे, मसलों के हल थे, सवालात थे, जवाबात थे। तो ये बाअदब बानसीब, आप अगर किताब पढ़ना चाहें तो इस नाम को आप नोट कर लें। तकरीबन 12 बजे के टाइम पे भाई खाना शुरू हो गया। कंडीशन आप चेक कर सकते हैं और शक्ल आप खाने की चेक कर सकते हैं। ये जो था ये तो हलवा था, सूजी का हलवा था, लेकिन बड़ा बेहतरीन। इसमें जो शशके वशके होते हैं ना, जैसे मूंगफली या इस तरह की चीज़ें, तो भाई ये इस बड़ी ट्रे में, एक बड़ी ट्रे में 3-4 आइटम रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं चावल, हलवा और सालन। यार सालन मैंने खाया ना, यकीन करें इसकी बोटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि फुल। तो भाई ये सारा माहौल, ये असल में बेसमेंट का एरिया था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाने की तरतीब हो रही थी। बाकी जो खाना खाने का जो सीन था वो ऊपर वाले पोर्शन में था, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में। ये तो बिल्कुल बेसमेंट का एरिया था। तो भाई यहाँ पर जो खाने की खुशबू थी, अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये स्टेप, अब ये बेसमेंट से लेकर आ रहे हैं तो ऊपर जो है ना ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे ये सारा सामान आइटम वगैरह ले जा रहे हैं। तो पब्लिक तो रेडी हो चुकी, तो मैं तो भाई इस टाइम पे नहीं बैठा था खाने के लिए, क्योंकि मुझे अपना थोड़ा कुछ शॉर्ट्स वगैरह लेने थे। अब ये पीछे जो बंदे बैठे हैं ये मेरे जानने वाले थे, तो ये पब्लिक आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, कोई आड़ा उड़ी नहीं,
کچھ نہیں مسئلہ اتنا ترتیب سے الحمدللہ خیر خیریت سے جو نا کھانا پینے کا سین ہو گیا تو یہ چاول جو دوبارہ ڈالتے ہیں نا تو وہ چیز تھے تقریباً 2 بجے کے ٹائم پہ آپ کا بھائی بالکل فری ہو گیا تھا تو بھائی میں پھر کسی بندے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف نکل پڑا اس وقت تقریباً ٹائم ہو رہا ہے 8:45 تو میں ایک لوکیشن میں موجود ہوں اس لوکیشن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ اس ٹائپ کی ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو آج کا جو ولاگ ہے اس کو میں یہیں پہ کلوز کرتا ہوں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال سے آتا ہی السلام علیکم یہاں پہ آپ کا بھائی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے دوستوں سے ایک دو بات چیت ہوگی اور ایک کام آیا ہوا ہے اس کام کے حوالے سے تھوڑی سی میٹنگ ہے چھوٹی سی میٹنگ تو اس کی دوست سے اس فائل کو اٹھانا ہے اور پھر گھر کی طرف جانا ہے